नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सर्जस फैन रियल हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में 7CPC DA 50% होने के बाद कौन कौन से भत्तों में होगी वृद्धि, 7 पे कमीशन में कौन कौन से रिकमेंडेशन की गई हैं जिसके तहत आपको इन भत्तों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आइए जान लेते हैं कौन कौन से भत्तों में और कितनी वृद्धि होनी है। इट इज एक्सेप्टेड डेट द रेट ऑफ DA विथ हीट 50% लेवल फ्रॉम जनवरी 2024 व्हेन DA रीच 50% सर्टेन अलाउंसेस एंड सैलरी कंपोनेंट विल बी इंक्रीज्ड एज रिकमेंडेड बाय द 7th पे कमीशन। दीज अलाउंसेस इंक्लूडेड रेंट, हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि होगी, वहीं पे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में वृद्धि होगी, वहीं पे स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर इसमें वृद्धि होगी, वहीं पे हॉस्टल सब्सिडी इसमें वृद्धि होगी, TA टू ट्रांसफर ट्रांसपोरेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट इसमें वृद्धि होगी, ग्रेजुएटिंग सीलिंग इसके अंदर भी वृद्धि है, ड्रेस अलाउंसेस, माइलेज अलाउंसेस फॉर ऑन ट्रांसपोर्ट, डेली अलाउंसेस, इन सब के अंदर वृद्धि होगी। और ये वृद्धि कब से लागू है? अब तो DA 50% के पार हो चुका है और ये आने वाले अप्रैल महीने में ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके साथ आ जाएगा। शायद ही अप्रैल के सैलरी और पेंशन के साथ ये DA भी आपको दे दिया जाएगा। वहीं पे आगे जान लेते हैं कौन कौन से रेंट में, कौन कौन से अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे देखते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस, यहीं पे द रेट ऑफ HRA हैव रिवाइज्ड टू 27%, 18% एंड 9% ऑफ द बेसिक पे XYZ सिटीज व्हेन DA क्रॉस 25%। दीज अलाउंसेस हैव बीन रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द 7CPC रिकमेंडेशन। यानी दोस्तों, जैसे ही आपका 25% DA होने के बाद HRA में 27%, 18% और 9% जो XYZ सिटीज हैं उनमें बढ़ोतरी हो चुकी है, और इसी प्रकार जैसे ही 50% होता है, 24% था, 25% रीच होने के बाद 27% हो जाता है, और 50% रीच होने के बाद 30% आपका HRA में वृद्धि हो जाएगी। वहीं Y ग्रुप सिटी के लिए 16% पहले था इनिशियली, उसके बाद 25% DA होने के बाद 18% और 50% DA होने के बाद 20% हो जाएगा। वहीं पे आगे देख लेते हैं जेड क्लास सिटीज में 8% जो इनिशियली था, और उसके बाद 25% DA होने के बाद 9% हो जाता है, 50% DA होने के बाद 10% आपका HRA में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार साथियों, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में देखते हैं, यहाँ पे अभी तक आपका 2250 रुपीज पर मंथ मिलता था, लेकिन इसके अंदर 25% वृद्धि होने के बाद 2812 रुपये इस प्रकार से मिलेंगे। ये वृद्धि 50% DA होने के बाद इस अलाउंसेज में 25% की बढ़ोतरी से तय है। वहीं पे दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चाइल्ड। वहीं पे जो दिव्यांग चाइल्ड हैं उनके लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जो 4500 पर मंथ था, इसमें वृद्धि होकर 5625 रुपीज पर मंथ हो जाएगा। वहीं पे देखते हैं हॉस्टल सब्सिडी, जिनके बच्चे हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए है 6750 पर मंथ अभी तक था, लेकिन अब ये बढ़ोतरी 25% बढ़ोतरी होने के बाद 8437.5 पर मंथ हो जा रहा है। वहीं पे दोस्तों, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विथ डिसेबिलिटी, वुमेन को जो चाइल्ड केयर जो मिलता था वो अभी तक 3000 रुपये पर मंथ था, वहीं पे वो उसमें वृद्धि होकर 3750 रुपीज हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, सबसे ज्यादा बेनिफिट जो ग्रेजुएटिंग सीलिंग जो दी जा रही है ऑन रिटायरमेंट पे, जो ग्रेजुएटिंग सीलिंग विल बी इंक्रीज बाय 25% व्हेन DA राइज बाय 50%। इस प्रकार से जो दोस्तों, जो 25% इंक्रीज कर जाएगी ग्रेजुएटी, जो आफ्टर रिटायरमेंट आपको जो ग्रेजुएटी मिलती है, जो पहले 20 लाख रुपए था, अब 1 जनवरी 2024 से जो रिटायर होगा उसे 25 लाख रुपए ग्रेजुएटी के तौर पर मिल जाएगी।
तो यहाँ पे दोस्तों सबसे सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 5 लाख रुपए की यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। वहीं पे दोस्तों आगे देखते हैं ड्रेस अलाउंसेज में, ड्रेस अलाउंसेज में इंक्रीज 25% इंक्रीज होने के बाद जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स एसपीजी जो कमांडो होते हैं उनको जो 27,800 रुपए जो ड्रेस अलाउंसेस मिलते थे उन्हें अब 34,750 रुपीज ड्रेस अलाउंसेस मिलेंगे। वहीं पे जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी नॉन ऑपरेशनल हैं उन्हें जो 21,225 रुपए ड्रेस अलाउंसेस मिलते थे वहीं पे अब उन्हें 26,531 रुपए अलाउंसेस मिलेंगे। वहीं पे आर्मी अफसर्स, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कैप्स एंड आरपीएफ, आईपीएस, कास्ट गार्ड इत्यादि के लिए जो भी ड्रेस अलाउंसेस 20,000 रुपए तय थे अब उन्हें इससे बढ़कर 25,000 रुपए उन्हें मिलेंगे। वहीं पे एक्सिक्यूटिव स्टाफ ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ईटीसी इनके लिए जो ड्रेस अलाउंसेस 10,000 रुपए थे अब इन्हें 12,500 रुपए अलाउंसेस मिलेंगे। वहीं पे अदर कैटेगरी ऑफ स्टाफ इनके लिए जो जिन्हें 5,000 अलाउंसेस ड्रेस अलाउंसेस मिलते थे उन्हें 6,250 रुपए ड्रेस अलाउंस मिलेंगे। वहीं पे जो नर्स के लिए ड्रेस अलाउंसेस 1,800 रुपए थे वहीं पे उन्हें 2,250 रुपए मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों इनमें अलाउंसेस में आगे भी बढ़ोतरी है। वहीं पे दोस्तों आगे टी टू ट्रांसफर अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी है जो 25% की बढ़ोतरी के साथ इसमें भी देखने को मिल रहा है। वहीं पे इसमें जो लेवल वाइज कैटेगरी वाइज जो आपको दे रखा था पहले से वही चीज मेंटेन किया गया है। जो लेवल 12 एंड अबव के लिए जो 6,000 kg बाय गुड्स ट्रेन अब्लिक फोर व्हीलर या 1 डबल कंटेनर के लिए 50 रुपीज पर किलोमीटर के रेट से मिलते थे और इसमें भी 25% की आपको बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं पे 6-11 लेवल के जो पेमेंट लेवल में जो आते हैं उन्हें 6,000 kg के सामान को जो ले जाने के लिए जो 50 रुपए पर किलोमीटर था इनमें भी 25% बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं पे जो लेवल 5 में आते हैं जो 3,000 kg तक सामान ले जा सकते थे उन्हें 25 रुपए पर किलोमीटर मिलता था इसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं पे लेवल 4 एंड बिलो जो 1,500 kg का जो उनका उनके लिए थ्राइज था और उसमें भी 15 रुपए पर किलोमीटर के रेट से था उसमें भी बढ़ोतरी होकर वही बढ़ोतरी हो जाएगी। अपने खुद गाड़ी से अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके लिए माइलेज अलाउंस जो मिलता था जो फॉर जर्नी परफॉर्मेंस ऑन कार एंड टैक्सी उन्हें 24 रुपीज पर किलोमीटर मिलता था अभी तक, लेकिन जो डीए 50% हो जाने के बाद 30 रुपए पर किलोमीटर मिलेगा। वहीं पे जर्नी पर्सन फॉर ऑटो रिक्शा ईटीसी जिन्हें 12 रुपीज पर किलोमीटर मिलता था उन्हें अब 15 रुपीज पर किलोमीटर मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पे डेली अलाउंसेस जो आपको डेली अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है इसमें भी 25% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक जो था लेवल 14 एंड अबव के लिए जो एकोमोडेशन के लिए पर डे 27,500 था इसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं पे पर डे मील के लिए जो पर डे फूड के लिए था 1,200 रुपए पर डे इसमें भी 25% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे लेवल 12 एंड 13 के लिए जो पर डे 4,500 रुपए पर डे था एकोमोडेशन के लिए उसमें भी बढ़ोतरी मिल जाएगी और वहीं पे 1,000 जो पर डे के लिए था इसमें भी आपको बढ़ोतरी मिल जाएगी। इस प्रकार दोस्तों यहां से लेवल 9-11 के लिए और 6-8 के लिए जो यहां पे अलाउंसेस था उनमें भी बढ़ोतरी उसी प्रकार हो जाएगी। यहां पे 6-8 के लिए जो 750 रुपये पर डे था और 225 रुपये इंटरसिटी के लिए सिटी के अंदर घूमने के लिए टैक्सी अलाउंस, फूड के लिए बिलिंग के लिए 800 रुपये पर डे था इनमें भी 25% की बढ़ोतरी सब में हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों ये थी मुख्य बढ़ोतरी और बाकी भी छोटे छोटे अलाउंसेस हैं जिनमें अप्रैल महीने के बाद से आपको ये बढ़ोतरी मिलेगी। तो साथियों ये था 7th Pay Commission में जो रिकमेंडेड था जिसे लागू होना ही है जो 50% जो अब डीए हो चुका है और ये सब अलाउंसेस आपको जब अप्रैल महीने में जब डीए का अलाउंसेस हो जाएगा और उसका लेटर जब जारी हो जाएगा तो उसके बाद से यानी अप्रैल महीने से ही या मई महीने से साथ साथ ये भी अलाउंसेस आपको
लागू हो जाएंगे और उसी समय एक साथ ही आपको ये भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जो जनवरी से लेके आपको एरियर के तौर पे भी आपको पेट की जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।